तो मैं सुबह सुबह देहरादून की सड़कों पे मुझे दिखाई ये कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। तो भैया ये क्या दे रहे हो आप? बढ़िया से इसने कार्ड में ये पत्ते पत्ते लगा रखे हैं। तो भैया जरा दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को क्या है इसके अंदर? एक बार खोल के दिखाइए। इसे खोलेगा नहीं, ऐसे ही दिखा, ऐसे दिखा दीजिए। दिखाइए, ये देखिए जी। तो ये क्या आप घर से बना के लाते हैं? ये देखो भाई, एक बार छोले देख सकते हो आप लोग, ये घर से बना के लाते हैं। तो छोले हैं या मटर है ये? अच्छा, छोले हैं। अब ये देखो जी, कुछ यूनिक से कॉन्सेप्ट में भैया इसमें डाल रहे हैं प्याज, ये हरी मिर्च। तो भैया ये पत्तों में क्यों रखा है जरा बताएंगे? हरी मिर्च पत्ते से ही पत्ते में ही बनेंगे, पत्ते में ही खाना पड़ेगा। पत्ते में बनेंगे, पत्ते में ही खाना पड़ेगा, पत्ते से ही खाना पड़ेगा। तो अरे वाह। तो भैया लगभग कितना समय हो गया आपको ये छोले, पत्ते वाले छोले बेचने में? 1984 से हमारे पापा लगा रहे हैं। 1984 से? अरे वाह, तो फिर आपने भी स्टार्ट कर दिया। देहरादून में यहाँ के लोग सुबह सुबह यही नाश्ता करते हैं, पसंद करते हैं? क्या बात है। इसको पराठे के साथ भी खाया जाता है? अरे वाह। और ये क्या डाल रहे हो भैया? हरी चटनी। ये देखो जी, हरी चटनी भी आ गई है। तो पूरे दिन में लगभग कितना बिक जाता है आपका? कितना किलो ले आते हो छोले आप घर से? 3-4 किलो छोले लाते हैं। 3-4? और भैया कितने घंटे लगाते हो? मात्र 3 घंटे। 3 घंटे? 3-4 घंटे का काम है, फिनिश, उसके बाद नहीं। तो भाई ये देख लो, पूरे देहरादून को बड़े ही प्यार से भैया सुबह सुबह छोले खिलाते हैं। इसको पत्ते वाले छोले कहा जाता है बेसिकली। और भैया ये कितने रुपए का होता है जरा बताएंगे? 20, 30, 50। ये कौन सा वाला बनाया आपने मेरा? 30 वाला। 20 उससे छोटा होगा? थोड़ा छोटा। अच्छा, तो भैया कितने रुपए का होता है वो? अच्छा, जो लोग बोलते हैं। तो भैया एक बार देख सकते हैं, इसके अंदर सभी मसाले को डाला गया है और ऊपर से डाली गई चटनी और यहाँ पे प्याज के साथ दिया। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो गाइस हम भी खाएंगे, बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। कुछ इस तरीके से पत्तों को, यहाँ पे चम्मच नहीं दी जाएगी, पत्ते दिए जाएंगे। तो पत्तों में ऐसे करके इसको खाया जाएगा। बहुत टेस्टी है गाइस, इतना चटपटा है ना कि एक पत्ता खाने के बाद आपका मन ही नहीं भरेगा, ये इतना टेस्टी हो। तो भैया जरा बताएंगे अगर किसी को खाने आना होगा तो कहाँ आना होगा? लोकेशन? मस्जिद के सामने। ढाबा? ढाबा वाला मोहल्ला मस्जिद के सामने। ढाबा वाला मोहल्ला मस्जिद के सामने। सुबह टाइमिंग बता दीजिए। 7 बजे से। 7 से कितने बजे तक? 12 बजे तक। 7 बजे से लेके 12 बजे तक। कभी भी देहरादून विजिट लग रहा है तो भैया जी को पहचान लो, यहाँ पे छोटी सी कार्ड लगा के देते। भैया कार्ड पे नाम क्यों नहीं लिखा? 10 बजे के बाद पापा खड़े होते हैं। अच्छा, 10 बजे के बाद भैया के पापा खड़े होते हैं। भैया नाम क्यों नहीं लिखा कार्ड पे? नाम की जरूरत ही नहीं है, पापा की जान पहचान बहुत है। क्या नाम है पापा जी का? चेतराम छोले वाले। चेतराम के छोले वाले, वो चेतराम के पत्ते वाले छोले जो कि बहुत फेमस है। तो आप भी कभी देहरादून आ रहे हैं तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। मुझे ये छोला बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, नए प्लेस पे, नए खाने का। तब तक के लिए बाय बाय।